बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ शो विद जावेद हाशमी। नाजरीन, 8 दिन पहले जो बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिली थी, इन्होंने FIR दर्ज कराई हुई है। हम प्रेस क्लब पर मौजूद हैं, यहाँ एहतजाज किया जा रहा है। तो जिन्होंने रिपोर्ट करवाई थी वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे क्या पेश रफ्त हुई है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, हम इनसे डिटेल लेंगे। पुलिस क्यों नहीं सुनवाई कर रही, क्या रिपोर्ट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये एक तो बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, पूरा पाकिस्तान सब इसी जो ना गम में है, लेकिन अभी क्या पेश रफ्त हुई है कानून की तरफ से? आपने रिपोर्ट भी करवाई थी, तो इसके बारे में बताएंगे जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मरवा बच्ची जो है, ये जुम्मे के दिन सुबह 7 बजे लापता हुई है, और उसके बाद जो है तकरीबन 10 बजे जो है इलाके में ऐलानात करवाए गए, और दिन को पूरा दिन ऐलानात करवाते करवाते पे इनके घर वालों ने रात 9:30 के करीब मुझसे रब्ता किया है कि आप हमारे साथ चले, हमें FIR कटवानी है। इनके साथ गया, उनकी फैमिली के साथ, इनके अब्बू मेरे साथ थे, इनके चचा मेरे साथ थे, हम PIB थाने गए हैं, हमने SHO से मुलाकात की, हमारी FIR वहीं पे हमने लॉन्च कराई है, और FIR लॉन्च कराने के बाद हम घर वापसी आए हैं। फिर अगले दिन जो है रात के 12:30 बजे करीब या 12:15 इस तरह का टाइम था, तो यानी जो ये हादसा पेश आया कि पता चला इलाके वाले को कि भाई बच्ची जो है वो कचरा कुंडी से मिली है, और बच्ची की जो हालत है वो आप सामने आई है। उसमें ये आई है कि उसमें एक तो यानी ज़्यादा थी बच्ची के साथ हुई है, और दूसरी ये है कि बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म भी हुआ है, तशद्दुद भी हुआ है उसके ऊपर। तो अब जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाकायदा गिरफ्तारियाँ भी हो रही है, यानी पूरी तफ्तीश जारी है इस हवाले से। तो अभी आप जो है ना आला हुकाम से किससे मुतालबा करेंगे आप? देखिए, हम तो सबसे पहले जो है यानी हम तो सुबह सिंह के रिहायशी हैं, हम तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से है कि यानी वो यानी ऐसी कानून जी करे इसम्बली में, यानी कोई ऐसी हरकत ना करिंदा कि आप ज़ैनब का वाक़या देखे, कसूर में जो वाक़या हुआ था, यानी जब उस पर एकदम फौरन एक्शन हुआ तो कातिल भी गिरफ़्तार हुए। तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि ये मजदूरकार लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको तहफ़ फराहम किया जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। थैंक यू। सुना तकरीबन 9 दिन से ये अनहोनी वाक़या जिससे कचरे से लाश मिली थी, अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई, एहतजाज किया जा रहा है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको। इंसाफ दो, इंसाफ दो, मरवा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मरवा को इंसाफ दो। समीर, छोटी सी बच्ची मरवा का जो है ज्यादती करके कचरा कुंडी से लाश मिली थी, उसके लिए एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबाजात, ह्यूमन राइट, JUI और दीगर जमातों की तरफ एहतजाज हो रहा है, ये आखिर कब तक होगा? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता छोटे बच्चों के साथ जो ये जुल्म शुरू हो गया है? कभी ज़ैनब होती है, कभी कौन से इलाके में, कभी कौन से इलाके में, ऐसा अमल कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा कि इसका खात्मा हो? क्यों नहीं लटकाया जा रहा है इनको? ये लोग जो बेदर्दी से, इनके दिल में खौफ ही नहीं है, हमारा कानून कमज़ोर क्यों है? कैमरामैन राजा समीर के साथ जावेद हाशमी, उम्मे न्यूज़। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त